मैं रोहित कुमार दुबे आपका स्वागत करता हूं द एक्सीलेंट एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। हम आपको रीजनिंग पढ़ाएंगे, उसमें एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है दिशा परीक्षण। यह छोटा सा टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हर परीक्षाओं में, चाहे SSC हो, बैंक हो, रेलवे हो, चाहे पुलिस हो, चाहे बड़ी से बड़ी हो, छोटी से छोटी परीक्षाओं में इसके एक दो क्वेश्चन आना अनिवार्य है। चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। हम आरंभ से ही जानते हैं कि दिशाएं चार होती हैं। एक होता है पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। इन्हीं दिशाओं का ही सारा खेल इस चैप्टर में है। एक चिन्ह होता है ये जो प्लस की तरह दिखता है, इसी से हम आपको हर दिशा का ज्ञान कराएंगे। और प्रेस द बेल आइकन ऑन द यूट्यूब ऐप एंड नेवर मिस अनदर अपडेट बताएंगे। आइए जानते हैं। ये जो होता है इसको हम पूरब कहेंगे, इसके जो विपरीत होगा वो क्या कहलाएगा? पश्चिम। जो ऊपर होता है उसको उत्तर, और उसके विपरीत जो होता है उसको क्या कहेंगे? दक्षिण। यही चार दिशाएं होती हैं। अब चार दिशाओं में से भी ये दिशाएं निकलती जाती, ये भी एक दिशा होगी, ये भी एक होगी, एक ये भी होगी और एक ये भी होगी। हम इसको क्या कहेंगे? उत्तर पूरब। इसको पूरब दक्षिण, और इसको दक्षिण पश्चिम, और इसको पश्चिम उत्तर कहेंगे। ये हो गई। जब हम कभी भी छोटी कक्षाओं में पढ़े होंगे तो इस तरह का एक चिन्ह बना होता है जिसको कितना कहा जाता है? 90 डिग्री, यानी पूरब और उत्तर के बीच में 90 डिग्री का डिस्टेंस। ये जब इन दो दिशाओं के बीच में 90 डिग्री बना तो यहाँ पे भी 90 बनेगा, और यहाँ पे भी 90 बनेगा, और यहाँ पे भी 90 बनेगा। 90 बनने को यानी ये जो पूरी हो गई एक सर्किल, और सर्किल हमेशा पता है सबको कितने का होता है? 360 डिग्री का। ठीक, अब इन दोनों के बीच में जब ये 90 हो गई तो हम ये भी कह सकते हैं उत्तर पूरब का जो हो गया वो कितना होगा? 45 डिग्री। उत्तर पूरब के बीच में भी जो होगा वो भी 45 डिग्री। इस तरह हर एक दिशाओं के बीच में जो होगी वो 45 डिग्री का माप बनता जाता है। इतना सा ही खेल आपको पूरी दिशा परीक्षण में हल करना है और ध्यान देना है। जैसे एक छोटा प्रश्न है कि एक व्यक्ति पूरब दिशा की ओर चलना आरंभ करता है, कुछ दूरी तय करने के बाद दाएं मुड़ता है और चलता है, फिर वहाँ से दाएं मुड़ता है और आगे बढ़ता है, तो बताइए वह इस समय किस दिशा की ओर जा रहा है? अब हम आते हैं सीधा दिशाओं के साथ साथ दाएं और बाएं, क्योंकि आदमी सीधा जाता है, सीधा जाने के बजाय तो दाएं मुड़ेगा या तो बाएं मुड़ेगा, कहीं ना कहीं तो मुड़ना ही है। उसी तरह प्रश्न है यहाँ पे। मान लेते हैं एक व्यक्ति है, ये उसका आरंभिक पॉइंट है, वह पूरब की ओर, अभी हमने बताया कि पूरब जो होता है इस तरफ होता है, चलते हैं पूरब गए, यहाँ पहुँच गए, फिर पुनः वह वहाँ पहुँचने के बाद वह दाएं मुड़ता है। अब आते हैं दाएं और बाएं को समझते हैं, जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है। दायां और बायां, घड़ी की दिशा और घड़ी की विपरीत दिशा, दो दिशाएं होती हैं, क्योंकि 12 के बजने के बाद एक, एक बजने के बाद दो, बजने के बाद तीन, इस तरह बजता है, ये तो घड़ी की दिशा हो गई। अब 12 के पहले 11, 11 के पहले 10, 10 के पहले 9, वो क्या होती है? घड़ी की विपरीत दिशा। उस पर ध्यान दें, घड़ी की दिशा जो होगी वो हमारा दायां कहलाएगा, और घड़ी की विपरीत दिशा जो होगी वो हमारा क्या कहलाएगा? बायां। यानी कि यहाँ तो होता है 12, 3, 6, 9, इस तरह घड़ी होती है, 12 बजने के बाद 3 बजा, मान लेते हैं 12 जो है उत्तर दिशा की ओर है, 6 जो है दक्षिण दिशा की ओर, 3 जो है पूरब दिशा की ओर, और 9 जो है वो पश्चिम दिशा की ओर। इसी यही चित्र यहाँ बना हुआ है, एक ही तरह है दोनों। अब घड़ी की दिशा मतलब हम पूरब हैं, घड़ी की दिशा ऐसे थी होती है, ये 12, 3, 6, 9 ये घड़ी की दिशा होती है,
घड़ी की विपरीत दिशा 12 9 36 ये घड़ी की विपरीत दिशा होती है। तो हम पूरब जाने के बाद घड़ी की दिशा मतलब दाएं मुड़ना है तो घड़ी की दिशा की तरफ मुड़ेंगे यानी कि इस तरह। तो हम यहाँ पे मुड़े, कुछ दूरी तय किए, इस बिंदु पे आ जाते हैं। इस बिंदु पे आने के बाद फिर आगे प्रश्न है और फिर वहाँ से दाएं मुड़ते हैं यानी यहाँ पहुँचने के बाद पुनः दाएं मुड़ना है। कहाँ मुड़ना है? दाएं ही। फिर दाएं मुड़ते हुए घड़ी की दिशा इस तरह, तो हो गए मुड़ना हमारा इस तरह। चल दे रहे हैं, जा रहे हैं, कुछ दूरी तय करते हैं। कुछ दूरी तय करने के बाद तो पूछता प्रश्न, किस दिशा की ओर जा रहे हैं? ये हमारी कौन सी दिशा कहलाई? यहाँ चित्र बनाते हैं, ये कौन सी दिशा कहलाएगी? पश्चिम। जो हमारा उत्तर आएगा वो क्या आएगा? पश्चिम। छोटा सा प्रश्न, छोटा सा तरीका, छोटा सा उत्तर। हम आपको प्रश्नों के ही द्वारा अगले अगले टॉपिक को बताते जाएंगे और छोटे छोटे ट्रिक भी बताते जाएंगे। प्रश्न आएंगे, उनका सलूशन आएगा, उसी में एक अलग प्रकार का ट्रिक भी रहेगा। आइए देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, बिना एक बिंदु ए से 4 किमी दक्षिण चलता है। यहीं से पढ़ते हैं, हल करना चालू कर देते हैं। मान लेते हैं यहाँ एक बिंदु है, इस बिंदु का क्या नाम है? ए। बिंदु ए से 4 किमी दक्षिण चलता है। दक्षिण मतलब नीचे की तरफ, उत्तर होता तो ऊपर जाता और अगर पूरब होता दाहिने चलते, पश्चिम होता तो बाएं। यहाँ इसे हम चलते हैं, दक्षिण गए। अब 4 किमी यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हो गई वो 4 किमी है। बिंदु बी, 4 किमी चलता है, बिंदु बी पर पहुँचता है, बिंदु बी आ गया, यानी ए और बीच की दूरी कितनी हो गई? 4 किमी। फिर बिंदु बी से 6 किमी बाएँ चलता है। चलते हैं बाएँ, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा, साफ इस तरह होता तो दायां होता, इस तरह चलेंगे तो बायां, मतलब इस तरह हमें चलना। ये 6 किमी। बिंदु सी पर पहुंचते हैं, बिंदु सी पर पहुंच गए, बिंदु सी से बाईं तरफ फिर वही उल्टा ऊपर की तरफ जाएंगे, बाईं तरफ चलता है बिंदु डी पर। यहां पे थोड़ा सा क्वेश्चन, बिंदु सी चलता है 4 किमी, बिंदु डी पर पहुंचता है। सी से और डी के बीच की दूरी कितनी हो गई? 4 किमी। अब आते हैं तो बताइए बिंदु ए और डी के बीच की दूरी, ये हो गया 4 किमी। ये दोनों बराबर हैं, हमें दूरी किसकी बतानी है? इसकी। अगर ये 4 तो ये 4, ये 6 तो ये 6, यानी बिंदु ए और डी के बीच की मीटर। ठीक, ये छोटे छोटे प्रश्न थे। अब इसी तरह हम आरंभ हमेशा छोटे चीज़ों से करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, अगली क्लास में हम बड़े प्रश्नों के साथ और कठिन प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद हुआ हो तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और इसे खूब ढेर सारा शेयर करिए। धन्यवाद आपका।